हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट बैंकर्स लिंक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं DICGC के बारे में, जो होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये एक RBI की होली ओन सब्सिडरी है, मींस इसका 100% जो शेयर है, कैपिटल है, वो RBI के द्वारा सब्सक्राइब है। बात करते हैं अब इसके हिस्ट्री की। तो जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है, इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में 1962 में। इंडिया जो है सेकंड कंट्री है इन द वर्ल्ड जिसने इस तरह का कॉन्सेप्ट डिपॉजिट इंश्योरेंस का लागू किया है आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में 1933 में इस तरह का कॉन्सेप्ट आया था। इसकी शुरुआत कैसे हुई इंडिया में, तो इसको भी जानते हैं। जो ये कॉन्सेप्ट है रिजर्व बैंक के द्वारा लाया गया था, तो उसमें सबसे पहले इश्यू ये आया था कि 1938 में जब बंगाल में बैंकिंग क्राइसिस हुई, तो उसमें जो ट्रेवनकोर नेशनल एंड क्विलियन बैंक, जो कि लार्जेस्ट बैंक थे ट्रेवनकोर रीजन के, तो वो फेल्ड हो गए थे। एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि जो एंट्री मेजर लेने थे बैंकिंग लेजिलेशन एंड रिफॉर्म के लिए, तो वो अर्ली 1940 में शुरू हो गए थे। उसके बाद फिर 1946 एंड 1948 में बंगाल बैंकिंग क्राइसिस हुई, तो उससे भी डिपॉजिट इंश्योरेंस करने की ज़रूरत महसूस हुई। और इस तरह का जो पहला कदम है वो 1950 में रूरल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी ने इसको सपोर्ट किया था, इस तरह की स्कीम इंडिया में होनी चाहिए। और जो सीरियसली इस पर काम शुरू हुआ वो जो पलाई सेंट्रल बैंक एंड लक्ष्मी विलास बैंक 1960 में, जब उनका क्रैश हुआ, वो बैंक फेल हुए, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट लाने की बहुत ही ज़्यादा नीड फेल्ट की गई। उसके बाद डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन DIC बिल पास हुआ पार्लियामेंट में इन अगस्त 1961। जब ये बिल पास हो गया तो जनवरी 1962 में डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट पूरी तरह से लागू हो गया। उसके बाद जो डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम है उसने जो अपना सपोर्ट दिया वो कमर्शियल बैंकों तक ही सीमित था। देन आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के साथ RBI ने एक क्रेडिट गारंटी स्कीम भी चालू की इन 1960 में। उसके बाद DIC और CGIC, क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और उससे एक नई एंटिटी बनी जिसको हम जानते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के नाम पे। ये नई एंटिटी बन के सामने आई और जो कि फंक्शनिंग हुई July 15, 1978 से। उसके बाद जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट है 1961 का, उसको चेंज कर दिया गया, उसका नया नाम हो गया द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961, जो कि April 1, 1981 से कॉरपोरेशन ने अपनी जो सपोर्ट दी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी दी। और इसके बाद अप्रैल 1989 से जो गारंटी कवर था वो एक्सटेंड किया गया फॉर एंटायर प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस, फॉर SME, एग्रीकल्चर एंड अदर प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस। और उसके बाद अप्रैल 1995 में जो हाउसिंग लोन को ये अपने सपोर्ट देते थे क्रेडिट गारंटी का, वो इन्होंने विड्रॉल कर दिया। जो लीगल फ्रेमवर्क है या ऑब्जेक्टिव है इस इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के, वो 1961 के DICGC एक्ट से गवर्न होते हैं। इसके दो मेन पर्पस हैं, एक तो इंश्योरेंस ऑफ डिपॉजिट्स, देन गारंटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर कमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक, स्पेशली फॉर प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस।
ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की बात करें तो जो इसका हेड ऑफिस है वो मुंबई में सिचुएटेड है, और जो इसका ऑथराइज कैपिटल है वो 50 करोड़ है, और जो टोटल कैपिटल है वो सारा ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऑथराइज है। मीन्स ये सब्सिडरी है, होली ओन्ड बाय RBI है। इसमें जो मैनेजमेंट होता है कॉरपोरेशन में वो एक चेयरमैन होता है जो कि एक डिप्टी गवर्नर होता है ऑफ RBI, एक ऑफिसर नॉर्मली जो ED रैंक का होता है वो RBI से होता है, देन वन ऑफिसर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 5 डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद RBI। ये जो 4-5 डायरेक्टर्स हैं ये डिफरेंट फील्ड में स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, इकोनॉमी एंड अदर। तो जो कॉरपोरेशन के 4 ब्रांचेज हैं इंडिया में, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर एंड न्यू दिल्ली। डिपॉजिट इंश्योरेंस किन किन बैंकों पर लागू है? तो इसमें ऑल कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक्स फंक्शनिंग इन इंडिया, लोकल एरिया बैंक्स एंड RRBs। और दूसरा आता है कोऑपरेटिव बैंक, जो भी कोऑपरेटिव बैंक है वो इसके एम्बिट में आते हैं। देन इंश्योरेंस कवरेज, इनिशियली जो इसकी इंश्योरेंस कवरेज थी वो 1,500 रुपीज़ थी पर डिपॉजिटर, जो शुरुआत हुई थी 1968 में। उसके बाद कई बार इसकी लिमिट इंक्रीज हुई है, जो लास्ट इसकी लिमिट इंक्रीज हुई है वो 1 लाख रुपए तक इंक्रीज हुई है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 1993। और ये देखा जाए तो काफ़ी पुराना इसका इंक्रीमेंट हुआ है, उसके बाद करीब 25-26 साल से कोई इसमें लिमिट इसकी फर्दर रिवाइज नहीं हुई है। तो ये भी एक अभी इशू है कि काफ़ी दिनों से इसकी लिमिट रिवाइज नहीं हुई है। 1 लाख रुपये डिपॉजिट आज की डेट में देखा जाए तो बहुत कम है। टाइप्स ऑफ डिपॉजिट कवर्स, जो DIGC है वो ऑलमोस्ट ऑल द टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट कवर होते हैं, इंक्लूडिंग सेविंग बैंक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट मीन्स RD। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि इस पर्टिकुलर स्कीम में कवर नहीं होते हैं। एक तो जो फॉरेन गवर्नमेंट्स के जो डिपॉजिट हैं वो इसमें कवर नहीं होंगे, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स एंड इंटर बैंक डिपॉजिट्स, जो एक बैंक का अकाउंट दूसरे बैंक के साथ होता है वो इसमें कवर नहीं होते हैं। एंड स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स के जो अकाउंट्स होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ वो इसमें कवर नहीं होंगे। एंड दूसरा इसमें होता है जो कोई भी ऐसा अमाउंट है जो आउटसाइड इंडिया रिसीव हुआ है वो इसमें कवर नहीं होता है। और सबसे लास्ट में होता है कि जो कुछ ऐसे स्पेशली एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट है बाय द कॉरपोरेशन विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI, तो वो भी इसमें एग्जेम्प्टेड होते हैं, वो इसमें कवर नहीं होंगे। देन इंश्योरेंस प्रीमियम, पहले इसका जो इंश्योरेंस प्रीमियम था वो 1/20 था ऑफ 1%, यानी कि 100 रुपये पे 5 पैसे, लेकिन अभी उसको इंक्रीज किया गया है तो वो अभी हो गया है 1/10 ऑफ 1% पर एनम, 1/10 ऑफ 1% पर एनम। जो प्रीमियम है इसका इंश्योरेंस का वो कंप्लीटली बैंक को बियर करना होता है, वो इसे कस्टमर को पास ऑन नहीं कर सकते, मतलब जो इसका प्रीमियम है वो बैंक को अपने प्रॉफिट से देना होगा, वो इसे कस्टमर से नहीं वसूल सकते हैं। इसका जो सीधे सीधे फॉर्मूला है वो इस तरह से रहेगा, डिपॉजिट इन रुपीज़ राउंडेड 2,000 इंटू 0.10 डिवाइडेड बाय 100। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझें, जैसे कि कोई फिक्स डिपॉजिट रिसीट है ऑफ 50,000, तो उसका जो इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा वो 50,000 इंटू 0.10 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 50 रुपीज़। तो जो एक 50,000 की FD है उस पर बैंक को 50 रुपीज़ डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम देना होगा। देन कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इंश्योर्ड बैंक, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस बैंक ले रहा है DICGC से, तो उसका कब कैंसलेशन होता है? तो अंडर सेक्शन 15A ऑफ DIGC एक्ट, अगर कोई इंश्योर्ड बैंक कंसेक्यूटिव 3 हाफ ईयर पीरियड के लिए अपना जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो पेड नहीं करता है,
तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल एज्यूम किया जाता है, और इसके अलावा भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, उससे कुछ सर्टेन टर्म्स हैं। अगर किसी बैंक को RBI ये बोलता है कि आपको फ्रेश डिपॉजिट नहीं लेना है, तो उस केस में भी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल माना जाएगा। देन सेकंड, RBI किसी बैंक का लाइसेंस कैंसिल करता है, वो भी एक केस हो सकता है जिसमें उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अगर कोई बैंक बाइंडिंग अप करता है वॉलंटरी और कंपल्सरली, तो उस केस में भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। और कोई कोऑपरेटिव बैंक है जो कि सीज हो जाता है कोई भी बैंकिंग बिजनेस करने के लिए, तो उसको भी ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी डिपॉजिट इंश्योरेंस की। और कोई ऐसा बैंक है जो डिपॉजिट लायबिलिटी अपनी ट्रांसफ़र कर देता है टू एनी इंस्टीट्यूट और किसी के साथ मर्ज हो जाता है किसी बैंक के साथ, तो उस केस में भी उसका लाइसेंस रजिस्ट्रेशन विद DICGC के पास कैंसिल माना जाएगा। देन सेटलमेंट्स ऑफ क्लेम, सेटलमेंट दो केस में ही होता है, या तो बैंक बाइंडिंग अप हो या लिक्विडेशन में चला जाए जो भी इंश्योर्ड बैंक है। इसमें जो अमाउंट है वो डिपॉजिट जो डिपॉजिटर है उसको उसके इक्वल अमाउंट के बराबर इंश्योरेंस मिलेगा, एंड अप टू दी मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंश्योरेंस कवरेज जो भी फिक्स है। जो DIGC है वो विद इन 2 मंथ जनरली ये क्लेम सेटल करती है। इसमें क्या होता है, जो इंश्योर्ड बैंक है वो एक लिस्ट प्रिपेयर करता है जो भी डिपॉजिटर है और उनका कितना डिपॉजिट है, वो लिस्ट DICGC को देता है, फिर DICGC उसको अप्रूव करता है, और जो पैसा है वो डायरेक्ट डिपॉजिटर को नहीं मिलता है, वो सीधे लिक्विडेटर को जाता है, जो भी लिक्विडेटर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट होता है बाय द कोर्ट, तो वो उसको मिलता है, वो फर्दर उन डिपॉजिटर को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है। देन अगर क्लेम सेटल्ड की बात करें तो बहुत से इसमें क्लेम सेटल्ड हुए हैं, और रिसेंट की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश का पानियर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, उसका जो क्लेम सेंक्शन हुआ था वो मार्च 5, 2019 को हुआ था। उसमें 28,382 डिपॉजिटर के लिए 6,85,00,000 रुपीज़ रिलीज हुआ था, जो ये क्लेम सेटल किया है इन्होंने। तो उस तरह से ये लास्ट इन्होंने क्लेम सेटल किया है। देन सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि जो प्रिंसिपल ही कवर होगा या ब्याज भी कवर होगा, तो इसमें दोनों ही चीज़ें कवर होती हैं, बट जो लिमिट है वो मैक्सिमम 1,00,000 रुपये ही रहेगी। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर किसी के डिफरेंट बैंक में अलग अलग अकाउंट हैं तो क्या वो कवर होंगे? बिल्कुल होंगे। अगर आपके डिफरेंट बैंक में डिफरेंट अकाउंट है तो वो इसमें कवर माने जाएंगे, और जो भी उस बैंक ने कवरेज लिया होगा उसके हिसाब से वो डिपॉजिट कवर होता है। फिर है, अगर सेम बैंक में एक पर्सन के कई सारे अकाउंट हैं तो वो किस तरह से कवर होंगे? अगर किसी इंडिविजुअल के अकाउंट्स हैं एक ही बैंक में, डिफरेंट ब्रांचेज में, या एक ही ब्रांच में कई सारे अकाउंट हैं, तो जो इंडिविजुअल कैपेसिटी के अकाउंट होंगे उन सबको टोटल किया जाएगा, और उसका जो भी डिपॉजिट है उसके बराबर इंश्योरेंस मिलेगा, बट अप टू दी 1,00,000 रुपीज़ ऑफ लिमिट। अगर उसके डिफरेंट ओनरशिप में है, यानी कि कहीं उसका इंडिविजुअल ओनरशिप में है, कहीं एज ए प्रोप्राइटर, कहीं एज ए डायरेक्टर, कहीं एज ए पेरेंट गार्जियन, तो उस केस में उससे क्लेम अलग अलग सेटल होंगे। इसमें पूछा है कि जो बैंक डिडक्ट करता है अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर डिपॉजिट इंश्योरेंस, क्या वो कस्टमर को पास कर सकता है? नहीं, वो कस्टमर को पास नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ जो बैंक के ड्यूज हैं वो बैंक रिकवर कर सकता है आपका क्लेम सेटल करने से पहले, उसके बाद वो बचा हुआ जो पैसा है वो आपको देगा। देन कोई बैंक अपना, अगर वॉलेंट्री चाहे तो अपना लाइसेंस विड्रॉल कर सकता है फ्रॉम
DICGC कवरेज नो। ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम है इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द बैंक्स। अब इसमें अगला क्वेश्चन है कि मीनिंग ऑफ डिपॉजिट्स इन द सेम कैपेसिटी एंड सेम राइट। इसका मतलब होता है कि जैसे मिस्टर एक्स हैं उनके इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक सेविंग अकाउंट है, एक करंट अकाउंट है, एक एफडी है, टोटल डिपॉजिट इनका 119,200। तो इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम डिपॉजिट जो इंश्योर्ड होगा वो 100,000 रुपये ही होगा। फिर मान लीजिए मिस्टर एक्स पार्टनर ऑफ एबीसी एंड कंपनी है, तो उस केस में इनकी जो ऑनरशिप है और राइट है वो अलग हो गया एज ए पार्टनर ऑफ अ फर्म, तो उस केस में इनका डिपॉजिट अलग काउंट होगा और उसका भी 100,000 रुपये का मैक्सिमम इंश्योरेंस रहेगा। देन एज ए गार्जियन, गार्जियन भी हो सकते हैं, पेरेंट हो सकते हैं, तो उस केस में भी अलग होगा। फिर डायरेक्टर किसी भी कंपनी के हो सकते हैं, तो उस केस में इनकी कैपेसिटी अलग होगी, तो उसका क्लेम कवरेज भी 100,000 माना जाएगा जो भी इसमें अमाउंट होगा। और अगर किसी के साथ ये ज्वाइंट है तो वो ज्वाइंट ओनरशिप में माना जाएगा अकाउंट, तो इसका क्लेम भी मैक्सिमम 100,000 रुपये होगा। तो इस तरह से जो डिफरेंट कैपेसिटी में अकाउंट है, डिफरेंट राइट में है, तो उनका जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है वो भी अलग अलग लिमिट में माना जाएगा, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है हर पार्ट की, हर ओनरशिप की, वो मैक्सिमम 100,000 रुपये ही होगी। फ्रेंड्स थैंक यू वॉचिंग।